मैं राखी आप लोगों की हिंदी शिक्षिका। आज मैं कक्षा 3 की विषय हिंदी अध्याय 4 और पढ़ाएंगे कविता। क्या है? चिड़ियों की रानी है ना। कविता का नाम क्या है? चिड़ियों की रानी। तो आप बोर्ड की तरफ देखो। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कुक कुक कर आमों में मिश्री घोली। तो इसमें क्या बोला गया है? कोयल कैसी है? कोयल काली है। और इसकी बोली कैसी है? तो इसकी बोली है मीठी। और ये क्या करती है? आवाज इसकी कैसे निकलती है कोयल की? कुक कुक। तो कुक कुक करके क्या करती है? ये आमों में मिश्री मतलब मिठास घोलती है। अब दूसरा देखो, कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई को, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। तो यहाँ पर कोयल से जो कविता लिखी है सुभद्रा रानी, वो बोल रही है कोयल कोयल सच बतलाओ, सच बत बताओ कि तुम क्या संदेशा लाई हो, इतने दिन के बाद जब आई हो तो क्या संदेशा लाई हो, मतलब क्या खबर लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो, अर्थात कोई डाली पर कोयल बैठी हुई है, क्या गाती हो किसे बुलाती हो। कोयल से पूछती है कि तुम क्या गाती हो और किसे बुला रही हो, और उसको क्या बोल के संबोधन कर रही है? कोयल रानी, बतला दो कोयल रानी। आगे देखो, प्यासी धरती देख मांगती को क्या भेखो से पानी, प्यासी धरती देख मांगती को क्या भेखो से पानी, मतलब धरती जब प्यास है पानी तब प्यासी धरती को देखे तुम क्या मांगती हो, तो पानी। कोयल ये मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई हो। तो कोयल जब आवाज निकालती है तो उसकी आवाज कैसी होती है? मीठी होती है, मिठास से भरा हुआ। तो ये पूछा जा रहा है कोयल से कि तुम इस आवाज को कहाँ से पाई हो, अपनी माँ से। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली ये सिखलाई है। तो मीठी जो आवाज जो निकलती है तुमको क्या सिखाया है माँ ने? तो माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली ये सिखलाई है, डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो ये भी तुम्हें बताया है। तो माँ से तुमने क्या सीखा? माँ से मीठा बोली बोलना सीखा है और डाल डाल पर उड़ना गाना गाना ये भी माँ से ही सीखा है। और क्या? सबसे मीठे मीठे बोलो, सबसे सभी से मीठे मीठे बोलते हैं पाए कोयल को बोलने के लिए, और बहुत भोली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी हो। तो माँ जो जो भी बात सिखाया गया कोयल को, तो कोयल क्या की है? बहुत भोली है, मतलब बहुत ही अच्छी है, और वे अपनी माँ की बात सदा ही मानती है। और आगे क्या बोला गया है? इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। तो कोयल को क्या कहा जाता है? सब चिड़ियों की रानी कहा जाता है कोयल को, है ना। तो इस कहानी में, इस कोयल कविता में क्या पढ़े? कोयल के बारे में। तो कोयल क्या क्या करती? कोयल देखने में कैसी है? काली है, और इसकी आवाज कैसी है? मीठी है। और ये कैसे आवाज निकालती है? कुक कुक करके। और कुक कुक करके आवाज निकाल के क्या करती है? आमों में मिठास बोलती है, और ये नया नया संदेशा लाती है, और कुछ गाती भी है, कोयल गाना भी गाती है। और ये प्यासी धरती देख के क्या करती है? प्यासी धरती देख मेघो मतलब बादलों से पानी भरी मांगती है, और मिठास अपनी माँ से उसको मिला है, और मीठी बोली भी बोलती है सबसे, और डाल डाल पर घूमना गाना गाना कोयल का यही एक काम है, और ये बहुत ही भोली है मतलब कोयल बहुत अच्छी भी है, और हमेशा सदा सब सबकी बात भी मानती है, और इसलिए कोयल को क्या कहा गया है? सब चिड़ियों की रानी कहा गया है। और चलो शब्दार्थ देखते हैं, शब्दार्थ क्या क्या मिला हम लोगों को। शब्दार्थ में मिला कुक कुक कर, कुक कुक कर का मतलब हुआ बोल बोल कर, संदेशा मतलब खबर, मेघो मतलब बादलों सदा हमेशा, भरी मतलब होता है अच्छी, और मिठास का मतलब हुआ मीठा पन।
बार बार पढ़िए और ये शब्दार्थ सभी पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही।